नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। इस समय मुंबई की माया नगरी से एक बड़ी खबर सामने जो आई है वो ये है कि शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा दरअसल पॉर्न इंडस्ट्री चलाता था। राज कुंद्रा की इस शक्ल को देखिए, देखने में कितना भोला भाला लगता है, कितना मासूम लगता है, लेकिन दरअसल ये मासूम व्यक्ति ही इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ी पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है। इसकी एक अलग दुनिया है। इसने शादी भले ही फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइन से की, लेकिन दरअसल इसका काम माया नगरी में जो बच्चे जो युवा काम करने आते हैं, दरअसल ये उनका शोषण करता है और उनको पॉर्न इंडस्ट्री में ढकेल देता है। और ये काम ये पिछले काफी सालों से कर रहा था और अब तक इसने न जाने कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद की और इन्हें पॉर्न इंडस्ट्री में ढके। फिलहाल इस आदमी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसके खिलाफ तमाम सबूत मिले हैं, लेकिन अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल इसने पॉर्न इंडस्ट्री का पूरा एक साम्राज्य बनाया हुआ है। ऐसी तमाम जगह थी जहां पर ये पॉर्न फिल्मों की शूटिंग कराता था। इसके एवज में ये युवाओं को फिल्मों में काम कराने का झांसा देता था। क्योंकि राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी एक बड़ी फिल्म स्टार रही है, तो लिहाजा इसकी दोस्ती भी तमाम ऐसे युवाओं से हो जाती थी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए माया नगरी मुंबई आती, लेकिन वो उनको धीरे धीरे अपने झांसे में लेता था और उनसे गंदी फिल्में बनवा कर मार्केट में उतारता था। ये फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती थी और इनसे ये लाखों करोड़ों रुपए कमाया करता था, लेकिन अब इसका भेद खुल चुका है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसको पुलिस ने जेल में भेज दिया है। लेकिन इसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि इसने तमाम ऐसे कॉटेज बनाए थे जहां पर इन फिल्मों की शूटिंग होती थी। पुलिस जब इनके कॉटेज में गई तो उसे तमाम ऐसे अश्लील साहित्य, ऐसे तमाम उपकरण मिले जिनसे ये पता चला कि इन्हीं जगहों पर पॉर्न फिल्मों की शूटिंग की जाती है। राज कुंद्रा अपने आप को पॉर्न इंडस्ट्री का राजा समझता, उसको पता था कि उसका यह खेल कभी नहीं खत्म होगा। पहले IPL में सट्टेबाजी में फंसा, उसके बाद रेप केस में फंसा और अब पॉर्न इंडस्ट्री मामले में ये मुख्य अपराधी बनाया जा रहा है। पॉर्न इंडस्ट्री केस में ये मुख्य मास्टरमाइंड है। इस आदमी के साथ कई मशहूर हस्तियां भी जुड़ी हुई थी, दो हीरोइन जो शालिनी चोपड़ा और पूनम पांडे जैसी हीरोइनों ने भी इसके ऊपर आरोप लगाया है कि इसने उन्हें भी पैसे का लालच देकर पॉर्न इंडस्ट्री में काम करा। फिलहाल इसके पकड़े जाने से हिंदी पॉर्न इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा किला जरूर ढह गया है, लेकिन इसके पीछे और भी तमाम लोग हैं जो इसको संरक्षण देते थे, उनका भी पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।